दर्शकों को नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। नई सोच नई खोज। महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ ने दिया प्रधानमंत्री को निवेदन। महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ के महावितरण के गोंदिया परिमंडल द्वारा विविध मांगों को लेकर गोंदिया जिलाधिकारी के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री को निवेदन सौंपा गया। हाल ही में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात, ये तीन राज्यों ने 3 साल के लिए कामगार कानून रद्द करने का अध्यादेश मंजूर कर उसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। महासंघ ने मांग की है कि बिजली कानून 2003 की समीक्षा करे, तब तक बिजली सुधार कानून 2020 पीछे लिया जाए। महावितरण के कामगार कटौती सूचना करने वाला स्टाफ सेटअप, महापरेशन का बक्सी समिति का अहवाल कामगार संगठन की अनुमति के सिवा लागू न करे, फ्रेंचाइजी धोरण रद्द करे तथा बिजली कामगारों की सरकार की पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की मांग की है। गोंदिया महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ के अध्यक्ष जयप्रकाश होलीकर, महामंत्री शंकर पहाड़े, कार्याध्यक्ष दत्ता धामनकर, उप महामंत्री शर्मिला पाटिल, झोनल अध्यक्ष योगेश्वर सोनुले, सचिव सुनील शिंदे के नेतृत्व में यह निवेदन सौंपा गया। आकाश न्यूज के लिए हमारे गोंदिया जिला प्रतिनिधि देवेंद्र दमाई की खबर।